हेलो गैप, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो गैप, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपना होम टूर, जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी लोगों ने, दीदी आप अपना घर दिखाओ, दीदी अपना होम टूर बनाओ, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सभी को हमारे होम टूर शेयर किया जाए। और गाइस, हमारे घर कोई हाई फाई कोई वो महल तो नहीं है, छोटा सा हमारा मिडिल क्लास है, जो कि हम ऑलमोस्ट रेनोवेट करने वाली थी, लेकिन कोविड करके हमारा ये सारा प्लान जो है पोस्टपोन हो गया। काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट देख चुकी होगी हिमाचल वाले की वीडियो में हमारा घर, लेकिन फिर आज हम डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो ये है मेन एंट्रेंस, हमारा छोटा सा गेट, और ये है हमारा छोटा सा गार्डन, जो कि हमने कैसे हम देखभाल करते हैं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है, जो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। हम लिंक उसके डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और ये देखिए, ये हमने खुद मेंटेन किया है। फिलहाल अभी विंटर करके ये सूख गया है सारे, लेकिन समर में ये फिर हरियाली हो जाएगी। और ये तो मेरे फेवरेट क्रिसमस, ये पिछले साल हमने ये लगवाया था। और ये छोटू सा क्रिसमस ट्री, जो कि ये बेस्ट पार्ट मुझे यही लगती है गार्डन में अपना, ये क्रिसमस ट्री, जो उम्मीद है इस क्रिसमस में जितनी मेरिट भी ऊंची हो जाएगी। और ये हमारे बाहर की बाथरूम, एक टॉयलेट एक बाथरूम। और गाइस, ये वही सीढ़ी है जो हिमाचल वाला देख के कांप जाता था पैर, जो हमें तो आदत हो चुकी है, हमें कोई डर नहीं, लेकिन चढ़ते उतरते वक्त बिल्कुल सावधानी तो बनती है। तो इसी के साथ काफ़ी लोग को कहते हैं, इसी के साथ हम आप सभी को बाहर की टूर कराएंगे। तो गाइस, अभी हम दूसरी ओर लेकर जाएंगे, वहाँ भी हमारा छोटा गेट है, तो आइए। और ये है हमारी गैरेज, जो बाइकें रखी हुई है और काफ़ी अभी गुद्दर काफ़ी गंद डाला हुआ है, इसलिए ये अभी हम शो नहीं कर सकते। तो साथ ही चलिए, ये है। और ये है हमारा, पिछले साल हमारा थोड़ी बहुत घर का काम चल रहा था रेनोवेट के लिए, जो जैसे कि मैंने बताया कोविड करके काम रुका हुआ था, तो इसी के लिए हमने ऐसे छोड़ा हुआ है। और ये है साथ में हमारे नींबू का पेड़, जो कभी नींबू लगती तो नहीं है, लेकिन हम खुशबू सूंघ के इसके मज़ा लेते हैं। और हम आप सभी को क्यों डिटेल में दिखा रहे, ताकि कोई ना बोले कि आपने तो दिखाया नहीं, इसलिए आज जो भी है जैसे भी है हम दिखा रहे हैं, तो कोई जज ना कीजिए। तो गाइस, ये है हमारा छोटा गेट, जो कि हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, काफ़ी हम आते जाते काफ़ी कम है, जो कि ऑलमोस्ट ये बंद रहता है, आप समझ लो ये बंद ही रहता है। और मैं दिखाती हूँ आप सभी को उस तरफ से हमारे बाहर, यहाँ से कैसे व्यू घर के। तो गाइस, ये है हमारे छोटी गेट की तरफ से कुछ हमारे घर इस तरह से व्यू दिखाई देते हैं, जो कि कभी आपको आना हो तो आप ये देख के अंदाज़ा लग ही सकते हैं। ये है रेनव के घर और हमारे मेरे पीछे में है, इसी के साथ कौन है, और गाइस इसी के साथ कैमरा, जो कि मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो गाइस, ये है हमारा छोटा सा मिनी टेबल तो नहीं कह सकते, काफ़ी बड़ी है, जो कि हम सर्दियों में चाय खाना यहाँ बैठ के हाथ धूप सेक के कितने आनंद। अभी तो फिलहाल गर्मी आ रहा है, क्या आ रहा है, आ ही चुका है, तो रात के टाइम में इधर बैठ के हवा खाते हुए मज़े से खाना खुना, और कभी कभी तो यहाँ मिनी पार्टी भी चलता है। तो चलिए, पहले हम एंटर करते, ये हमारी है जो कि मास्टर बेडरूम। तो गाइस, ये है हमारे मास्टर बेडरूम, जो कि है साथ में मैचिंग कलर के सोफा और पर्दे, हमें काफी अच्छा लगता है सारा मैचिंग हो। और ये है जो कि आप सभी देख के अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हिमाचल वाला भी इसी कमरे में स्टे किया था। ये रख देती हूँ यहाँ पर अपने जगह पे। और साथ में है हमारे, यहाँ से है हमारे अटैच बाथरूम, जो कि बन ही रहने दो। और साथ ही है हमारी ये स्टोर रूम, जो कि अभी क्या बताऊँ, स्टोर रूम ही ऐसे घुमा दिया रूम के इस तरह।
और ये मैं हूँ। तो साथ ही हमारा हॉल जो कि हमने काफ़ी सिंपल से सजाया हुआ है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ, और ये मैंने खुद DIY किया है। जब भी मेरे पास टाइम होती है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाती रहती हूँ। ये देखिए, और सबसे खासियत ये जो डोगी जो हिमाचल से है, जो चंबा मिंजर मेला है उनको पता ही होगा मिंजर मेला। ये है मिंजर मेला का डोगी। ये है ब्राउनी का छोटा भाई जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, मिंजर से आया हुआ है, मिंजर मेले से। तो इसको रख देती है। और ये है, हमने दो सोफे रखे हुए हैं, और इसके ये हैं, और ये है मैंने खुद बनाया हुआ है मंडला दिया हुआ है जो कि ये देखिए। और ये हमारा डाइनिंग टेबल, और ये है विंडो, जब भूख लगे डायरेक्ट से यहाँ से ले लेके। और साथ में है सिंक। तो सीधे हम लेकर चलते हैं किचन में। और ये है हमारी सिंपल सी छोटी सी किचन, काफी सिंपल है, कोई हाई फाई किचन नहीं है। जब हम काम लगवाएंगे, हमने किचन का भी अच्छी से रेनोवेट करना है, वो देखिए। और किचन के साथ ही एक और हमारा रूम है जो आप स्टोर रूम भी कह सकते हो। और सबसे पहले ये है साइकिल, जो कि मिस्टर कनफ कभी कभी साइकिलिंग करने चले जाते हैं, जब मूड किया तो उठा के चले जाते हैं। और ये है कुछ हमारे रैंडम स्टफ, जैसे कि पुराने, आप सभी को पता है कोई ऐसी चीज होती है पुरानी के जो हम बेच भी नहीं सकते ना रख सकते, वैसे चीजें यहाँ काफी। तो चलिए अभी हम अपना और एक दो कमरे दिखाते हैं। और गाइस, ये है हमारा एक और कमरे, यहाँ बेड लगी हुई है, और यहाँ पर है हमारे मिरर, जो कि ये कमरा है बहुत ही सिंपल में हमने रखी हुई है। दो कुर्सी, जब कोई आ जाए बैठ के चाय पी सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ताकि लोगों को थोड़ा एंटरटेन, आप सभी को एंटरटेनमेंट हो। और यहाँ से देखिए व्यू। प्लीज, एक हमारी लास्ट कमरा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है जो कि मैं खूब इसमें साफ सफाई खूब करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ये है हमारी ऑल टाइम सोफा, जो बैठने में आहा इतना कंफर्टेबल, लेकिन बहुत ही ऑल, लेकिन काफी मजबूत, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है आजकल बैठ में, तो आप अंदाजा कर ही लीजिए। ये है ऑल टाइम टीवी। होप है कि आप सभी के घर में भी है ना एक एक जरूर तो होगा, तो एक हमारे घर में भी है। और ये है हमारे स्टोर, जो कि मैं थोड़ी से दिखा देती हूँ। ये देखिए, खूब कपड़े रजाई रुजाई धुसी हुई है, जो गर्मियों में जाना है दीवान के अंदर। और ये भी देखिए, ये DIY, ये भी मैंने बनाया हुआ। और यहाँ से हम यहाँ से भी छोटी और गेट की ओर देखिए। तो गाइस, यहाँ तक ही है हमारे होम टूर। तो गाइस, ये था हमारा छोटा सा होम टूर, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप सभी को पता ही क्या करना है। हाँ, पसंद आया है तो आप सभी को मालूम है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। और इसी के साथ मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।